हाय गाइस, आई एम शंकरश्यप नीरुष के साथ आज बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आप लोग के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल साबूदाना खिचड़ी। तो बहुत ही आसान तरीके से ब्रेकफास्ट आप बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शंकरश्यप को सपोर्ट करना। और देख ही सकते हो आप, 2 कप आपको साबूदाना लेना है, अच्छे से उसको भिगा के रखना है 5 से 6 घंटे तक। और एक बॉयल आलू लिया और यहाँ पे कोरिएंडर चॉप, एक ग्रीन चिली चॉप और पीनट, साथ में 2 लेमन वेजेस। और चाइनीज वॉक ले ले आपको पास, अगर नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक भी आप बना सकते हो। करीब 2 टेबल स्पून करीब ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल किया, ज़्यादा नहीं चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट बना है तो ऑयल थोड़ा ही इस्तेमाल करो। और थोड़ा सा जीरा सीड और थोड़ा सा हम लोग मस्टर्ड सीड यहाँ पे यूज करेंगे, करीब 1/2 टी स्पून तक करीब तक, देख ही सकते हो इस तरह। तो और गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम में रहने का, ज़्यादा गैस फास्ट नहीं करने का, देख ही सकते हो आप। अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रीन चिली जो चॉप करके था ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे और साथ साथ हम लोग पोटैटो काट कर रखा था वो भी ऐड करेंगे, देख ही सकते हो। और साथ साथ जो साबूदाना हम लोग रखा था एक बोल में वो भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको ये क्या करना चाहिए, स्लो फायर में आपको मिक्स कर लेना चाहिए, इसी तरफ से आपको मिक्स करना चाहिए। वीडियो और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, संग सबको सपोर्ट करना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग को, प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब और एक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट चाहिए आप लोग का। तो यहाँ पे देख ही सकते हो इतना मज़ेदार, अगर ब्रेकफास्ट खाना चाहते हो संग सबको सपोर्ट करना। और साथ साथ थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट इस्तेमाल किया यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट। और थोड़ा सा मैंने शुगर इस्तेमाल किया यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इस साथ साथ आपको पीनट यहाँ पे क्रश करके डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे पीनट ऑयल भी डाल सकते हो। अब पीनट डाल के शुगर डाल के जो डाला था हम लोग मिक्स कर लेंगे, इसी तरफ से आपको मिक्स कर लेना चाहिए, इसी तरफ से आपको जलना नहीं चाहिए। और साबूदाना बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, संकल्प सबको सपोर्ट करना। और साथ साथ यहाँ पे कोरिएंडर चॉप मास्टली इम्पॉर्टेंट है, कोरिएंडर चॉप डालते हो तो बहुत खूबसूरत दिखता है। और साथ साथ एक लेमन जूस आपको 2 नहीं तो 3 चाहिए लेमन जूस, आपको जो हिसाब से डालना है, आपका टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैं तो यहाँ पे 2 लेमन स्लाइस मतलब वेजेस इस्तेमाल किया अभी, और डाल के अच्छे से आपको मिक्स कर लेना चाहिए इसी तरफ से। ब्रेकफास्ट आपका बहुत ही आसान तरीके से 5 मिनट में ब्रेकफास्ट तैयार। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, साबूदाना को 2 से 4 घंटा पहले आपको भिगा के रखना चाहिए, भिगा के रखने के बाद आपको स्ट्रेन कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स।